रहे हैं जीटीवी न्यूज। सिद्धार्थनगर जनपद में दिल्ली सीमा पर अपने हक की मांग कर रहे किसानों के लिए व किसानों की मांग को सरकार माने, इसके लिए कांग्रेसियों ने सद्बुद्धि यज्ञ किया। मुख्यालय स्थित बेलैया दुर्गा मंदिर पर सभी कांग्रेसी नेताओं पहुंचकर हवन किया। कहा, सरकार काला कानून वापस ले और यह हवन इसलिए है ताकि ईश्वर केंद्र सरकार को सद्बुद्धि दे, ताकि वो किसानों के ऊपर लगे इस काले कानून को वापस ले। उनकी सभी मांगे केंद्र सरकार में बैठे जिम्मेदार सहर्ष माने। पीसी सिद्धार्थनगर से बजरंगी प्रसाद चौधरी की एक खास रिपोर्ट। आज के इस हवन का क्या उद्देश्य है? जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि जनता के मुद्दे जो वास्तव में सरकार को, जिसके लिए सरकार बनाई जाती है कि जन कल्याणकारी योजनाएं लेके आए, सरकार जनता के मुद्दे को भूल चुकी है। आज जिस तरीके से पिछले 3 महीने से पंजाब में इस काले किसान कानून के खिलाफ आंदोलन चल रहा था, लेकिन उसको सरकार ने कतई ध्यान नहीं दिया और उसको देखते हुए किसान लोग दिल्ली की तरफ कूच कर गए। लगभग 3 लाख किसान, जिसमें 30,000 महिलाएं और बच्चे हैं, वो सब दिल्ली की तरफ लगातार बढ़ रहे हैं और सरकार से मांग रहे हैं कि जो काला किसान कानून है इसको निरस्त करके जो किसानों के हितैषी कानून हो उसको लाया जाए। ऐसे में अगर अभी ये इस पर ना ही काबू पाएगा तो आगे आप क्या करेंगे? आप लोग जानते हैं कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से जनता के हित में हमेशा कार्य करती है। अगर किसानों के हित में कार्य नहीं हुआ, जो हमारे अन्नदाता हैं, जो हमारे देश का नारा था जय जवान जय किसान, तो जिस तरह से जवानों के लिए हम लोग हमेशा बलिदान रहते हैं, उसी तरह किसानों के लिए कांग्रेस पार्टी हर समय खड़ी रहेगी और एक बड़े आंदोलन को तैयार करेगी। भाजपा कह रही है कि कांग्रेस ये जो है जिम्मेदार है, ये जो धरना दे रहे हैं। अब भाजपा को जो भी कार्य होता है उसमें उसको हमेशा लगता है कि कांग्रेस जिम्मेदार है, उसको तो आम जनता दिखाई नहीं देती। 3 लाख लोग लगातार सड़कों पर हैं, उसमें उसको किसान दिखाई नहीं देता, उसमें उसको कांग्रेस दिखाई देता है। तो उसको वास्तव में इसीलिए सद्बुद्धि यज्ञ किया जा रहा है और कोई कारण नहीं कि सद्बुद्धि खत्म हो चुकी है।